right, ladies and gentlemen, boys and girls, this is your dost host Jason. Ki halchal, sat sri akal. Dekho, aap logon ko pata hi hoga, maine apni gaadi ko load kara ke bheja tha Mumbai to participate in a drag race, and this video is all about it. अब होटल से निकलते ही ना सबसे पहले हमने सोचा वर्ली सीलिंग गाड़ी को लेके जाते हैं, वहां पे शूट करेंगे. और मेरी बहुत लॉन्ग ड्यू इच्छा थी कि वर्ली सीलिंग पे मुझे अपनी गाड़ी की छत खोल के चलाना है. सो हम लोग उस तरफ को निकले, बट एक कॉल आया जिसने दिमाग खराब कर दिया. इस कॉल के बारे में वीडियो गेम में आपको पता लग जाएगा, बट अभी कुछ क्लिप्स आप देख लो जो मैंने फोन में रिकॉर्ड किए थे, 360 पे रिकॉर्ड किए थे, GoPro पे रिकॉर्ड किए थे. बट एक छोटा सा वार्निंग है दोस्तों, हेडफोन लगा लेना, ऑडियो उतना क्लियर नहीं है क्योंकि जो माइक हमने लगाया था वो काम नहीं किया. उड़ा के जाएंगे भाई, ट्रैफिक इतना है भाई मैं क्या बताऊं, बट रिएक्शन से एक नंबर मिल रहा है दोस्तों. बट बुरा पता क्या लग रहा है, एक ऐसी न्यूज मिली है जिसको सुन के ना दिल दहल गया है. बट अभी मैं पब्लिक नहीं करूंगा, थोड़ी देर में क्या पता वक्त मौसम जज्बात हमारे दोबारा से बदल जाए. अभी 6 बज रहे हैं, जिस इवेंट के लिए मैं आया था वो है 8 बजे से चालू, एंड उससे पहले मेरी कोशिश थी कि मैं वर्ली सीलिंग टाइम से पहुंच जाऊं सनसेट होने से पहले, बट चीजें मेरे को बहुत मुश्किल लग रही है भाई. होटल से जस्ट निकला हूँ, ये जुहू रोड है जहाँ पे जुहू चौपाटी है, बहुत सुना होगा, अपने गाने वाने भी हैं यहाँ, अमिताभ बच्चन साहब भी रहते हैं हमारे लेफ्ट में, बहुत सारे सेलेब तो दिखते रहते हैं हमें, मतलब कॉमन हो गया. परिणीति दिखे तो बात अलग है, बट फिर भी मतलब थोड़ा थोड़ा लेट हो गया यार. सोए लेट, उठे लेट, काम किए लेट, गाड़ी अनलोड हुई लेट, गाड़ी मुंबई पहुंची लेट, अब हम वर्ली के लिए हो रहे हैं लेट. देखो देखो देखो, जुहू बीच है उधर में, हवा में देखो कितने सारे बंदर है भाई. यार ये भी मिस कर दिया हमने, मेरे को लग रहा है गाड़ी छोड़ देता हूँ मुंबई में, अपने काम करके वापस आ जाता हूँ. ओह माय गॉड, एक्चुअली दोस्तों हमें ना कल निकलना है कोयंबटूर के लिए, क्योंकि वहां हो रहा है केडीएम कप, जिसको जाके हमें विटनेस करना है, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि फाइनल्स है भाई, कल फाइनल है, फिनाले, तो उसको हमें एक्सपीरियंस करना है. सो अगर आज हमने जस्टिस नहीं किया इस गाड़ी और मुंबई के साथ में, तो शायद मैं गाड़ी छोड़ दूं. बट सिर्फ एक ही टेंशन है मुझे, पूछ क्या, वो जो ट्रक वाले को 1.5 लाख रुपए देने हैं वो कौन देगा. क्योंकि हमने अप एंड डाउन किया था और बहुत एक्सपेंसिव है दिल्ली से गाड़ियां भेजना, इट इज नॉट इजी, और एक दिन के लिए इतना पैसा लगाना. सब्सक्राइब सब्सक्राइब, सपोर्ट करो गाइस. गाइस यहाँ पे ना एक मंदिर है जिसपे बहुत सारी घंटियां लगी हुई है, एंड आप देखोगे ना बहुत ज्यादा रश है भाई इस टाइम पे. घंटेश्वर मंदिर है ना, और अभी ना हमने डिटूर ले लिया, मतलब मेन रोड पे बहुत जाम था, अंदर अंदर में आ गए. बट मेरे को लग रहा है पता नहीं कहाँ निकलेंगे, टाइम से पहुंच भी पाएंगे या नहीं. कहाँ से भाई, एक गलियों में लेके जा रहे, भूल गया हमारे पास पोर्शे भाई. बच गई, नहीं आवाज नहीं आई, बट हाँ गड्ढा पड़ा था यार, मतलब बहुत ज्यादा ना आज हम लोग डिफिकल्टी में है, सच्ची बता रहा हूँ मैं. राइट लेना आगे से, ठीक है जी, राइट दे देते हैं. और ये अक्सर हो जाता है दोस्तों, इसमें क्या है ना, जर्मन कार्स में आपको ये जो इंडिकेटर्स हैं इधर मिलते हैं, नॉर्मल में इधर मिलते हैं, तो ये कंफ्यूजन शुरू में रहता है. अक्सर मेरे से भी कई बार यहाँ से वाइपर चालू हो जाते हैं, पोलो वाले जानते हैं ये. घुमा अभी नहीं है, अभी नहीं है, घुमा भाई. तो अभी ना क्यूट सा सीन आ गया, मतलब मयंक का दिल आ गया किसी पे, रेड लाइट पे सीन हो गया हमारे साथ. अभी 360 फुटेज देख रहे हैं, चलो दिखा देते हैं जल्दी से, क्योंकि भाई टाइम तो पास करना ही है, यहाँ पे अटके हुए हम, ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, कहीं की जगह नहीं है. दिखाओ 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 ये. चलो आप ऐसे 360 देखो भैया, दो प्यार से मांग रहा है. क्या दो मैं, क्या दे दो, क्या देना है, पैसा देगा 1 रुपया 2 रुपया देगा, क्या निकलेगा अभी नहीं है, नहीं है भैया भाई. बहुत ज्यादा ट्रैफिक था वर्ली सीलिंग के लिए, बट जैसे तैसे हम लोग पहुंचे, बट काफी अंधेरा ऑलरेडी हो गया था. बट अच्छी बात थी स्वर्ण पाजी ने हमें वहीं पे ज्वाइन किया. सो मैंने क्या किया ना, मयंक को मैंने उनकी गाड़ी में बिठा दिया, पाजी को साथ में बिठा दिया, क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस कराना था. ओके लवली पीपल, जैसे वो लोग स्वर्ण पाजी मेरे साथ में है, द बर्थडे बॉय पाजी, वेरी एक्साइटेड हो जॉय राइड के लिए वर्ली सीलिंग पे, है ना. ऐसे मौके कम होते हैं, देखो हर बार हम घूमते हैं पाजी के साथ, पाजी की गाड़ी में, आज पाजी को हम घुमा रहे हैं अपनी गाड़ी में. तो लेट्स हैव सम फन दोस्तों, पीछे भी कैमरा लगा दिए हैं, आगे भी लगा दिए हैं, एंड जल्दी से चलते हैं क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा. Thank you.
किसी को बोलती बंद है, वैसे भी गला खराब है, आपने भी बोलती बंद कर दी है। मजा आ गया इस टनल का। मैंने सुना ऊपर समुंदर है भाई, ये तो क्रेजी है, क्रेजी एक्सपीरियंस। एंड सी द क्रैकल्स, एक्चुअली लिसन टू देम। अपने आप मेरे को गाड़ियों ने जगह दे दी, मेरे को लग रहा है ना। गाइस देखो ऐसा 9:30 हो रहे हैं अभी तक, हम लोग ना सड़कें नाप रहे हैं मुंबई की, तो आपको समझ आ गया कि आज सबसे बैड न्यूज़ क्या होगी, है ना। मतलब सारी गाड़ियां इधर में ही हैं हमारे पास में, बट इवेंचुअली जिस काम के लिए हम लोग आए थे, जिस काम के लिए पोर्शे आई थी यहाँ पे, वो काम नहीं बना। अब आपको हिंट मिल गया ना भाई। लोग जस्ट हैव अ लुक यार, स्काई लाइन एंड मून एंड क्रेजी क्लाउड्स, बहुत ही खूबसूरत है ये रात, स्पेशली मुंबई की ये वाली रात। इन द कार Now we're going left, we're going straight, okay. So बहुत ही मजा आया भाई सीलिंग के ऊपर में। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा भाई, हमने ना बहुत ज्यादा उस दिन कंटेंट शूट नहीं किया था यूट्यूब के लिए, बट डेफिनेटली इंस्टाग्राम के लिए बहुत अमेजिंग रील्स बनाई थी। हम लोग अटल सेतु भी गए थे, ये जो अंडरपास था इसके अंदर भी गए थे, इनफैक्ट जो हमारा मरीन ड्राइव था, वर्ली सीलिंग था, हर तरफ हमने अपनी गाड़ी घुमाई है। बहुत मजा आया, लोगों को आवाज बहुत अच्छी लगी, स्वर्ण पाजी के रिएक्शन आपने देख लिए, एवरीबडी वॉज हैप्पी। बट अभी सैड टॉक के बारे में बात करते हैं। सैड कॉल जो हम लोगों को आया था ना, वो ये था कि इवेंट कॉल्ड ऑफ हो गया, मतलब पोस्टपोन्ड हो गया था। बहुत बुरा लगा भाई, बहुत तैयारियां करी थी, बहुत मेहनत करी थी, बहुत अरमान थे हमारे भी और ऑर्गेनाइजर के भी, क्योंकि भाई ऐसा है कुछ चीज़ें ना कंट्रोल में नहीं होती। इट वाज अ एयर स्ट्रिप, तो वहाँ पे लास्ट मोमेंट ना जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया था। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो इलीगल कार्स है ना उनको सीज करने की तैयारियां चल रही थी, तो जब ऑर्गेनाइजर को पता लगा तो उन्होंने बोला कि भाई अभी तो ये पोस्टपोन कर देते, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि पार्टिसिपेंट्स जो है ना उन पर कोई ट्रबल आए। ओवरऑल ये सारी न्यूज़ मेरे को मिल रही है उनके इंस्टाग्राम पेज पे। बट भाई अपना शेड्यूल इतना टाइट था ना, ये गम मनाने का ज़्यादा मौका भी नहीं मिला, क्योंकि उस दिन जल्दी से हमने अपनी जो रात की ड्राइव है ना उसको ख़त्म किया, क्योंकि अगले ही दिन हमें आना था यहाँ पे। बोलो कहाँ पे? आई एम इन ऊटी राइट नाउ, इससे पहले कोयम्बतूर में था और अभी दोबारा ऊटी जा रहा हूँ रेस ट्रैक पे गाड़ी चलाने के लिए। अभी क्या सारा सिस्टम है आपको अगले ब्लॉग में पता लगेगा, या आपने ऑलरेडी इंस्टा पे फॉलो कर लिया होगा। एंड गाइस जस्ट रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगा है तो यू नो द ड्रिल। मुझे पता है आज थोड़ा सा ऑडियो ऊपर नीचे था, जिस हिसाब से मैं वीडियोस बनाता हूँ वैसा भी नहीं था, क्योंकि कैप्चर हमने थोड़ा अलग तरीके से किया था। अच्छा लगा तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेहनत मेरी, रहमत उसकी, प्यार आप सभी का। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। साइनिंग ऑफ जेसन, बाय बाय।